हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम कर रहे हैं मिसलेनियस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 27 ओल्ड बुक्स एंड एग्जांपल 20 न्यू बुक्स के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन पाई बाय एड। अब इस कॉन्सेप्ट को सिखाने से पहले छोटा सा पॉइंट जान लो। अगर मेरे पास कोई थीटा यानी कोई वैल्यू गिवन है थीटा पे, यानी कि एंगल की वैल्यू को पता है, तो मैं इसके डबल की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी 2 थीटा, और इसके हाफ की भी, यानी थीटा बाय 2 की। समझो, लेट्स से मेरे को पता है कि साइन 30 पे क्या वैल्यू होती है, राइट? तो मैं इसके डबल की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी साइन 60, और इसके हाफ की भी, यानी साइन 15। कोई भी थीटा पता है उसके डबल की भी वैल्यू और उसके हाफ की भी वैल्यू। सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन पाई बाय एड। ये मेरे को रेडियन में दे रखा है, मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पाई बाय एड इंटू 180 बाय पाई कितना आ जाएगा, 22.5। यानी मेरे को निकालनी है टैन 22.5 की वैल्यू। अब बेटा मेरे पास क्या 22.5 की वैल्यू होती है? नहीं, बट मेरे को पता है मेरे पास 45 की वैल्यू होती है, राइट? और मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर आपको कोई एंगल पता है आप उसके डबल की भी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी 45 पता है तो 90 भी जा सकते हो, और उसके हाफ की भी, यानी 22.5। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 थीटास वाले फॉर्मूला। कैसे? देखो मेरे को पता है टैन 45 1 होता है मेरा, मैं यूज करूंगा टैन 2 थीटा का फॉर्मूला। टैन 2 थीटा क्या होता है, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। नोटिस करो, अगर यहां 2 थीटा है तो यहां थीटा है, राइट? यहां जो एंगल है उसका हाफ है। अगर लेट से मैं आपका यहां कर दू टैन थीटा, तो राइट में क्या हो जाएगा, 2 टैन थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2। आर क्लियर? यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब खुद की कॉमन से सोचो कि 45 किधर आए और 22.5 किधर आना चाहिए। सोचो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली 45 कहां आएगा, लेफ्ट में। टैन 45 इज इक्वल्स टू 2 टैन 22.5 अपॉन में 1 माइनस टैन स्क्वायर 22.5। वैल्यू पुट करो, टैन 45 इज 1, 2 टैन 22.5 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर 22.5। यहां शिफ्ट कर दो, 1 माइनस टैन स्क्वायर 22.5 इज इक्वल्स टू 2 टैन 22.5। सॉल्व करने के लिए अगर आप नोटिस करो कुछ बन रहा है, जरा ध्यान से फोकस करो। लेट कर लो टैन 22.5 को एक्स, ध्यान से देखो कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, कर दो इधर शिफ्ट, यहां बचा 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बन गई क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल स्प्लिटिंग ट्राई करोगे नहीं होगी, मैं आपको पहले बता दूं फैक्टर्स यहां पे नहीं पॉसिबल। आप सोचोगे कैसे सर, अगर माइनस करके 2 बन जाए, प्लस नहीं माइनस करके, ये थर्ड साइन मैटर करता है इसका। ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करो तो 1 और माइनस करो तो 2, फैक्टर्स नहीं कर पाओगे। तो क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करो। सबसे पहले d निकालो, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो कितना आ गया, 4 प्लस 4 8। अब d 0 से बड़ा आया, d 0 से बड़ा है तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट,
बेसिकली रियल यानी सॉल्यूशन पॉसिबल है। लगाओ x का फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। एक्स माइनस बी, माइनस बी क्या है टू, तो माइनस टू प्लस माइनस रूट डी, डी है एट अपॉन टू ए। ए क्या है, सॉरी ए क्या है मेरा वन, माइनस टू प्लस माइनस। अब रूट एट को क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट टू रूट टू अपॉन टू, ऊपर से टू कॉमन, जैसे कॉमन लोगे बचेगा माइनस वन प्लस माइनस रूट टू अपॉन टू, कट गया। तो माइनस वन एक बार प्लस रूट टू, एक बार माइनस रूट टू। अब खेल यहां शुरू होता है, यहां पर आंसर खत्म नहीं हुआ, दो वैल्यूज आ रही है। बट अगर नोटिस करो ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको बता दूं रूट टू की वैल्यू होती है मेरी 1.4142, तो इससे वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी पॉजिटिव नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि वन का साइन नेगेटिव है बट छोटा है, और रूट टू क्या है मेरा 1.41 बड़ा है, राइट। तो इससे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इससे ये तो है ही नेगेटिव। अब 22.5 कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है, अगर आप देखो ये x था, x क्या है मेरा, x क्या है मेरा 22.5, राइट। मेरे को पता है 22.5 लाइक करता है, cos 22.5 lies in first quadrant में lie करता है, और first quadrant में सबकी value positive होती है, therefore tan 22.5 इसकी value क्या हो जाएगी root 2 minus 1, यानी आप ऐसे लिख लो इससे चाहे minus 1 plus root 2, ये answer हो जाएगा। इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन कराते हैं।